हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS संसारी में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली की मुख्य परीक्षाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जिन स्टूडेंट्स की मुख्य परीक्षाएं स्थगित हो गई थी लॉकडाउन के चलते, वो सभी स्टूडेंट्स सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम रह गए हैं वो कब से हो पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से रोहिलखंड यूनिवर्सिटी को एक पत्र मिल चुका है, जिसमें यूनिवर्सिटी से ये जानकारी मांगी गई है कि क्या आप 20 अप्रैल से अपनी परीक्षाएँ कराने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही फिलहाल क्या है पूरी न्यूज़, इस बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर आकर सर्च करना होगा sarkarijob.co। स्टाफ से लिखकर जब आप सर्च करेंगे, यहाँ फर्स्ट वाली वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी www.sarkarijob.co। इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। इसके अलावा इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दी गई, वहाँ से भी आप इस वेबसाइट पर आसानी से विजिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है MGPRU यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड 2020, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की सभी लेटेस्ट न्यूज़ लगातार प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर ई लर्निंग के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई चालू रख सकते हैं, PhD एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मुख्य परीक्षाओं के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स और जितने भी आपकी परीक्षाएं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित की जाती हैं, उन सभी के एडमिट कार्ड यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर चेक करने के लिए क्लिक है, ठीक है, यहां से आप अपना फ़ोन नंबर चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किए जाने वाले सभी कोर्स के जो रिज़ल्ट हैं, MGPRU ऑल एग्ज़ाम रिज़ल्ट क्लिक है, यहाँ से आप अपने रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हैं। ऑल कोर्स एग्ज़ाम स्कीम क्लिक कर यहाँ से आप अपनी न्यू एग्ज़ाम स्कीम भी चेक कर पाएंगे, जब यूनिवर्सिटी की तरफ से न्यू एग्ज़ाम स्कीम पब्लिश की जाएगी तब। और चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज की न्यूज़ के बारे में, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे। शासन ने पूछा, 20 अप्रैल से परीक्षा करानी हो तो क्या तैयार हैं। दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये दिनांक 5 अप्रैल 2020 को अमर उजाला के बरेली डिस्ट्रिक्ट के न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई, आप भी इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी लेटेस्ट न्यूज़ हो, जो भी नई जानकारी हो, वो आपको लगातार समय समय पर मिलती रहे। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते होंगे, शासन की ओर से रोहिलखंड समेत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से वार्षिक परीक्षाओं की एक अनुमानित तारीख मांगी गई है कि आप कब से अपनी परीक्षाओं को कराने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही शासन के पत्र में कहा गया है कि यदि 20 अप्रैल से परीक्षा करानी हो तो विश्वविद्यालय की क्या तैयारी है, ये भी पूछा गया है। इसके लिए टाइम टेबल आदि तय करने को कह दिया गया है। विश्वविद्यालय की कुल सचिव सुनीता पांडे ने बताया कि शासन ने अनुमानित तारीख मांगी है कि आप किस डेट से अपनी परीक्षाएँ कराने के लिए तैयार हैं। यदि लॉकडाउन बढ़ा तो ये खुद ही रद्द हो जाएगी। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई जाती है, जैसा कि अभी आपको पता ही होगा दिनांक 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की समय सीमा है, यदि इसे आगे एक्सटेंड किया जाता है तो जो यहाँ पर 20 अप्रैल वाली ये तारीख है, ये ऑटोमेटिक अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स भी इसे वीडियो को बाद में देखें तो प्लीज़ वो इस चीज़ को समझ जाएं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वीडियो को डेट ओवर होने के बाद वीडियो देखते हैं तो उनके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स वहाँ पर उस चीज़ को, उस न्यूज़ को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। इसके साथ ही, जबकि यदि 15 तारीख के बाद स्थिति सामान्य हुई तो फिर विश्वविद्यालय द्वारा तय की गई तिथियों पर परीक्षाएँ कराई जाएंगी, लेकिन अभी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली कोई भी डेट अनाउंसमेंट नहीं की गई है। और दोस्तों, जब तक रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी एग्ज़ाम स्कीम जारी नहीं की जाएगी, किसी भी टाइप की, किसी भी कोर्स की आपकी जो परीक्षाएं वो संपन्न नहीं होंगी। तो दोस्तों, जैसे ही रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी न्यू एग्ज़ाम स्कीम जारी हो जाती है, उसके बारे में आपको हमारे चैनल पर पूरी तरह से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो 20 अप्रैल के बाद हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि आपका जो लॉकडाउन है
वो 14 अप्रैल को ख़त्म हो जाता है। तब यदि 14 अप्रैल तक आपका लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद 20 अप्रैल से आपकी जो परीक्षाएं हैं वो संपन्न हो सकती हैं। लेकिन यदि लॉकडाउन की समय सीमा आगे बढ़ती है तो ऐसे में 20 अप्रैल से आपकी परीक्षाएं होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल जो भी न्यूज़ यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी आपको हमारे चैनल पर पूरी तरह से इन्फॉर्म किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी नई जानकारी हो वो आपको लगातार समय पर मिलती रहे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।